फाइनली हम लोग आ गए हैं BMW के शोरूम और इंडिया में बिकने वाली सारी BMW मोटरसाइकिल्स के बारे में आज हम लोग इन डिटेल बात करेंगे, उनके वेरिएंट जानेंगे, उनके फीचर्स जानेंगे और साथ ही साथ उनके ऑन रोड प्राइसिंग और डाउन पेमेंट के बारे में भी बात करेंगे। तो जस्ट इन केस अगर आप लोग कोई भी BMW की मोटरसाइकिल लेने के प्लान कर रहे हो, देन दिस इज द राइट प्लेस फॉर यू, बिकॉज दिस इज सायम सिद्दीकी फ्रॉम द रोलिंग पिस्टन्स और आप सभी लोगों को मेरा पिस्टन सलाम। ये है हमारी पहली बाइक जिसका नाम है BMW GS310। अब ये BMW की एंट्री लेवल मोटरसाइकिल हो जाती है और जैसे कि आप इसके लुक से ही बता पा रहे हो कि ये बेसिकली जो बाइक है ये टूरिंग पर्पस के लिए यूज़ करी जाती है। सबसे पहले हम इसके इंजन से शुरू करते हैं। इसमें आपको मिल जाता है 313 cc का सिंगल सिलेंडर इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 34 PS के पावर के साथ ही साथ 28 Nm का टॉर्क और इसमें आपको 6-speed का गियर बॉक्स मिल जाता है विद स्लिपर असिस्ट क्लच। अब बात करते हैं इसके लुक के बारे में, तो इसके फ्रंट के लुक से शुरू करते हैं। फ्रंट में हमें मिल जाती है LED लाइट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सी, उसके बाद में हमें मिल जाते हैं USD फ्रंट फोक्स, ठीक है। और इसके जो USD फ्रंट फोक्स है इसमें फ्रंट में भी आपका जो स्पेस होता है वो आपको 180 mm का मिल जाता है। उसके बाद में हम इसका टायर पर आ जाते हैं जिसमें आपको फ्रंट और रेयर दोनों ही 17 inch के टायर मिलते हैं 17 inches के। फ्रंट में आपको 110 का टायर मिलता है और रेयर में आपको 150 का टायर मिलता है और इसमें आपको अलॉय व्हील मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आते हैं तो हमें यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सा टैंक मिल जाता है। इस बाइक की जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो 39 किलोमीटर पर लीटर की आती है। 39 किलोमीटर पर लीटर तक का एवरेज ये बाइक निकाल देती है और जो इस बाइक का मिनिमम एवरेज जाता है वो करीब 34 किलोमीटर पर लीटर तक के जाता है। उसके बाद में हमें बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल सीट मिल जाती है। हल्का सा बैठ करके दिखाता हूँ, ये देखो बैठ गया मैं और आराम से मेरे पैर भी नीचे बहुत ईजिली पहुँच गए। 5'10" 10.5 inch ऐसे हाइट है मेरी और उसके हिसाब से ये गाड़ी टॉल भी है लेकिन आप इजीली इसको कंट्रोल भी कर सकते हो। उसके बाद अगर हम पीछे आते हैं तो यहाँ पर आपको साइडल बैग के लिए, आपके पीछे वाले बैग के लिए आपकी सारी जगह यहाँ पर मिल जाती है जिसको आप अच्छे से लगा सकते हो। उसके बाद में जो आप इसका एग्जॉस्ट नोट देख रहे हो ये भी, इसमें आपको कवरिंग तो मिलती है ब्रॉन्ज कवरिंग जिसपे कि आपके आप जो पैर हैं वो जले ना, बट इसकी जो हाइट है वो भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर है ताकि अगर आप पानी वानी में जाते हो तो इसमें कोई भी पानी ना जाए अगर आप थोड़ी सी भी ऑफ रोडिंग प्रॉपर तरह से कर रहे हो। इस बाइक में हम लोग को बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं मिलते हैं बट इसमें आपको मिल जाता है फुली डिजिटल मीटर, LCD डिस्प्ले मिल जाता है आपको बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सा, जहाँ पे आप अपनी बाइक की सारी इन्फॉर्मेशन ईजिली देख सकते हो। उसके बाद में अगर हम इसके यहाँ पर टायर पर देखें तो इसमें हमको फ्रंट में ऐसे सिंगल डिस्क ब्रेक मिलता है और रियर में भी हमें आपको सिंगल डिस्क ब्रेक मिलता है और इसमें आपको सिंगल चैनल ABS भी मिल जाता है। तो ये 300 cc कैटेगरी की बाइक हो जाती है और ये बाइक कम्पीट करती है आपकी KTM ड्यूक जैसी बाइकों के साथ। अब फाइनली बात करते हैं हम इस बाइक की प्राइसिंग के ऊपर, तो ये जो बाइक है BMW GS310 इस बाइक का ऑन रोड प्राइसिंग है 351,000 रुपये, यानी 351,000 रुपीज़ में आप ये बाइक अपने घर ले जा सकते हो। बट जब भी आप यहाँ पर आओ BMW लुटिंस मोटर आर्ट, यहाँ पर आ करके आप हमेशा ऑफर्स ज़रूर चेक करना या फिर किसी भी अगर आप शोरूम जाओ वहाँ पर जा करके जो भी शोरूम के ऑफर्स चल रहे होते हैं एट प्रेजेंट उनको अच्छे से चेक करना बिकॉज वो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करा सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी पहली मोटरसाइकिल जो कि एडवेंचर टूरर मोटरसाइकिल थी 300 cc की। अब दूसरी बाइक पे चलते हैं जो कि आप एडवेंचर टूरर अगर बाइक नहीं लेना चाहते हो लेकिन तभी भी आपको 300 cc की कैटेगरी में कोई बाइक चाहिए जो आप इजीली सिटी में भी चला सको, तो उसका नाम है BMW 310R। अब इस बाइक को आप इजीली सिटी में आराम से चला सकते हो क्योंकि इस बाइक का जो वेट है वो है सिर्फ 168 kg का, मतलब समझ रहे हो कि वेट के मामले में इतनी ज़्यादा लाइट वेट मशीन है ये। पावर वाइज इसमें भी आपको वही सेम 313 cc का सिंगल सिलेंडर वाटर कूल इंजन मिल जाता है जो कि प्रोड्यूस करता है 34 PS के पावर के साथ ही साथ 28 Nm का टॉर्क। उसी के साथ साथ आपको इस बाइक में 6-speed गेयरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है विद स्लिपर असिस्ट क्लच। अब अगर हम इसकी फ्रंट प्रोफाइलिंग में आ जाए तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया सा नेकेड कैटेगरी का लुक मिल जाता है। फ्रंट में आपको अलॉय व्हील मिलते हैं विद सिंगल डिस्क ब्रेक और उसके बाद में रियर में आपको अलॉय व्हील मिलते हैं विद सिंगल डिस्क ब्रेक। इसमें आप इस बाइक में आपको सिंगल चैनल ABS भी मिल जाता है। तो इसके अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो इसकी प्राइस शुरू होता है 300,000 रुपये से शुरू होता है जो कि जाता है 311,000 रुपये तक। 300,000 रुपये में आपको BMW के सिंगल सिलेंडर 300 cc की बढ़िया बाइक मिल जा रही है जिसमें आपको ठीक ठाक पावर मिल रहा है। BMW GS310 जो इससे पहले हमने आपको दिखाई और BMW 310R, ये दोनों बाइक इंजन वाइज एकदम सेम है। एक आपकी एडवेंचर टूरर कैटेगरी में निकल जाती है और एक आपकी नेकेड कैटेगरी की स्पोर्ट्स बाइक हो जाती है।
है। अब बात करते हैं 1000cc की लिटर कैटेगरी की सुपर स्पोर्ट्स बाइक की, जिसने पूरे वर्ल्ड में तबाही फैला के रखी है, जिसका नाम है BMW S1000 RR। इस बाइक के अंदर आपको मिल जाता है 999cc का लिक्विड कूल इनलाइन 4 सिलेंडर, जो कि प्रोड्यूस करता है 207 ब्रेक हॉर्स पावर के साथ ही साथ अराउंड 138 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। तो पावर वाइज इसमें इतना ज़्यादा पावर है कि मेरे हिसाब से शायद ही कोई बाइक इस बाइक के साथ कंपीट कर पाती है। बाइक की जो स्पीड जाती है वो जाती है 310 किलोमीटर्स पर आर की, इस बाइक की आपकी जो स्पीड है वो चली जाती है। अब BMW S1000 RR के कितने वेरियंट आते हैं? एक तो आपका आता है BMW S1000 R, जो कि आपका नेकेड कैटेगरी का होता है। उसके बाद में आता है आपका BMW S1000 RR, जो कि हमारे सामने खड़ा है। इसमें आपके दो वेरिएंट आते हैं, एक आपका आता है स्टैंडर्ड, एक आपका आता है प्रो, और तीसरा आपका आता है एम स्पोर्ट। अब एक बहुत ज़्यादा खास बात इस बाइक की ये हो जाती है कि ये प्रॉपर लिटर क्लास बाइक होने के साथ ही साथ अपनी कैटेगरी में 1000cc में सुपर स्पोर्ट कैटेगरी में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक हो जाती है बिकॉज ऑफ इट्स राइडिंग पोजीशन बेसिकली। अब अगर हम बात करें इस बाइक के इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, तो इसमें काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स हमको मिल जाते हैं, जैसे कि इसमें हमें ABS मिल जाता है, इसमें हमें ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, इसमें हमें व्हीली कंट्रोल मिल जाता है, इसमें हमें लॉन्च कंट्रोल मिल जाता है। उसी के साथ साथ इस बाइक में आपको मिलते हैं 4 मोड, जो कि ऐसे रेस होते हैं, रेन होता है। उसी के साथ साथ 4 मोड्स के साथ साथ आपको 3 इसमें रेस प्रो मोड्स मिलते हैं, जिसमें आप 6 लेवल का इसे चेंज कर सकते हो। ये देखो, जैसे कि आपका इंजन, इसमें आप अपना थ्रॉटल जो है वो अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। उसके बाद इसमें आप अपना इंजन ब्रेकिंग अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। उसके बाद इसमें अपना ट्रैक्शन, किस लेवल का ट्रैक्शन चाहिए, इसमें 14 लेवल ट्रैक्शन है, +7 and -7, तो उसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। उसके बाद इसमें आप व्हीली कंट्रोल कर सकते हो कि जिस हिसाब से आपको अपनी व्हीली चाहिए, देन ABS एंड डायनेमिक डैम्पिंग कंट्रोल। तो बेसिकली ये आपका एक मोड है जिसमें आपको ये 6 जो है चीज़ें मिलती हैं, जिसके साथ आप प्ले अराउंड कर सकते हो। और ऐसे ही आपको 3 मोड्स मिलते हैं, जो कि आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके रख सकते हो अपने राइडिंग कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो अगर आप सोच रहे हो कि अगर आपको ट्रैक पर जाना है, और ट्रैक पर जाते ही अगर आपने अपना रेस प्रो मोड का कोई भी 1, 2 या 3 लेवल कोई भी चूज़ करा, तो आपकी बाइक ऑटोमेटिक वैसे सेट हो जाएगी। उसके बाद में आपको ऐसे कोई टाइम भी आपका वेस्ट नहीं होगा, और आप इजीली जो है अपनी बाइक को चलाना शुरू कर सकते हो। अब फाइनली अगर हम इस बाइक की प्राइसिंग की बात करें, तो ये बाइक शुरू होती है 22.5 लाख रुपीज़ से और जाती है 27.19 लाख रुपीज़ तक। बट ये टोटली वर्थ इट आपका ऑप्शन हो जाता है अगर आप इसको दूसरी अपनी बाइकों के साथ कंपेयर करें। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ BMW की पहली क्रूजर मोटरसाइकिल, जिसका नाम है R18, जो कि हमारे सामने खड़ी हुई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और ऐसे बीफी और ऐसे मस्कुलर लग रही है। चलिए सबसे पहले इसके लुक्स के ऊपर बात करते हैं। तो इसका बहुत ही ज़्यादा ऐसे डेडली और ऐसे क्लासी सा आपका लुक हुआ जा रहा है। फ्रंट में देखो, और आपको टायर मिल जाता है, उसके बाद में आपको LED लैंप मिल जाते हैं, जिसमें अंदर आपको BMW LED की बैजिंग दे रखी है। उसके बाद में आप इस बाइक को देखो, यूजुअली देखो तो इस बाइक में आपको बहुत सारा क्रोम देखने को मिलेगा। उसके बाद में जो इसका एग्जॉस्ट पाइप है, इसको फिश आई एग्जॉस्ट कहते हैं। ये ऐसे फिश शेप ऐसे एग्जॉस्ट होता है। इसका एग्जॉस्ट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, अलग सा लगता है, तो वो भी आपका पूरा क्रोम का हो जाता है। उसके बाद में ये जो बाइक है, इसमें आपकी ड्राइव शाफ्ट टेक्नोलॉजी, ये बेल्ट और चेन से नहीं चलती है, तो एक वो चीज़ हो जाती है। उसके बाद में आपको सिंगल सीट मिलती है। ये जो आप देख रहे हो, ये बेस मॉडल है, ठीक है, इसमें आपको बहुत सारे चेंजेस नहीं मिलते हैं, ये बाइक आपको एज इट इज़ मिलती है। जो इसका दूसरा मॉडल है, उसमें आपको काफ़ी सारे चेंजेस मिल जाते हैं, उसमें आपको पिलियन सीट मिल जाती है। अभी हम चलेंगे तो उसके बारे में उसको थोड़ा सा दिखाएंगे। अब अगर हम इसके बाइक के इंजन के बारे में बात करें, तो ये अभी तक का BMW का सबसे ज़्यादा बड़ा इंजन है, जो कि बॉक्सर इंजन है। बॉक्सर इंजन की खासियत क्या रहती है कि इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा एडेड पावर मिल जाता है, और बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही यूनिक सा वाइब्रेशन भी मिलता है आपको। इस बाइक के अंदर आपको मिलता है 1802cc का डुअल सिलेंडर इंजन मिलता है, बॉक्सर इंजन मिलता है, जो कि प्रोड्यूस करता है 91 PS का पावर, 158 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। इसमें आपको 6-स्पीड गेयरबॉक्स मिल जाता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बाइक हो जाती है। अब इस पर हल्का सा मैं आपको ऐसे बैठ करके दिखाता हूँ कि देखो इस बाइक का ऐसे लुक कैसा आता है। तो ये मैं बैठा, अब इसका बढ़िया सा काफ़ी ज़्यादा बीफी माचो क्लासिक रेट्रो लुक आ रहा है, ठीक है, विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्रोम। उसके बाद में इसमें आपको टैंक बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा मिला जा रहा है। ये पहली क्रूज़र है जिसमें आपको ब्रेम्बो की ब्रेकिंग मिल रही है विद डुअल चैनल ABS। उसके बाद में इसमें आपको हिल होल्ड कंट्रोल भी मिल जाता है। इस बाइक की जो ऑन रोड प्राइसिंग है वो है 25,85,000 रुपये। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रेट्रो लुक क्लासिक ऑप्शन है आपका क्रूज़र का, आप इसे आकर के देख सकते हो यहाँ पे। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्रूजिंग का सेकेंड ऑप्शन, जो कि R18 ही है, बट उसका स्पेशल वेरियंट है, जो कि हमारे सामने खड़ा हुआ है।
अब इसमें आपको काफ़ी सारे चेंजेस दिख रहे होंगे। इसमें चेंजेस क्या हो जाते हैं, बेसिकली इसमें आपको काफ़ी सारी एक्सेसरीज मिल जाती हैं, जैसे कि आप ये विंडस्क्रीन देख रहे हो, जैसे कि आप ये एडिशनल इंडिकेटर्स देख रहे हो। उसके बाद में फ्रंट में आपका ये हो जाता है चेंज कि जैसे आप जो टायर की विड्थ देख रहे हो, जो ऐसे ब्रॉड है, इसमें आपको फ्रंट में ब्रॉड टायर मिल जाता है, वही डुअल डिस्क मिलते हैं विद डुअल चैनल ABS। उसके बाद में इसके जो लिवर्स होते हैं ये आपके फुली एडजस्टेबल होते हैं, इनको आप एडजस्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद में आपकी R18 जो कि आपकी फर्स्ट एडिशन थी, उसमें आपको पिलियन सीट्स नहीं मिलती थी, बट इसमें आपको स्पेशल वेरिएंट में आपको पिलियन सीट भी मिल जाएंगी। उसी के साथ साथ आपको बहुत ही खूबसूरत से सैडल बैग्स मिल जाते हैं BMW की तरफ से। इसमें आपको नॉर्मल एग्जॉस्ट मिलते हैं, इसमें आपको थोड़े से डिफरेंट एग्जॉस्ट मिलते हैं, ठीक है। दोनों साइड आपके एग्जॉस्ट होते हैं जो कि आपके सैडल बैग के नीचे आता है। उसके बाद में वही से ही आपको ब्रॉड फेंडर मिल जाता है बेसिकली। तो ये थोड़े बहुत चेंजेस हो जाते हैं आपके स्पेशल वेरिएंट में और आपके फर्स्ट एडिशन में। फर्स्ट एडिशन ऐसे आपकी रॉ बाइक होती है, उसको आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करवा सकते हो, बट ये जो आपकी स्पेशल आती है ये थोड़ी सी कंपनी की तरफ से इसमें काफ़ी सारी चीज़ें लिख करके आती हैं और इसमें थोड़े बहुत चेंजेस भी होते हैं, जैसे कि एग्जॉस्ट और आगे वाला टायर। अब फाइनली अगर हम लोग इस मोटरसाइकिल की प्राइसिंग की बात करें, तो जहां आपकी फर्स्ट एडिशन करीब आपकी 25 लाख रुपए की आ रही थी, वहीं पर आपको ये मोटरसाइकिल मिलेगी 27,47,000 रुपए की, यानी कि 27,47,000 रुपीज़, जो कि इसका ऑन रोड प्राइस है दिल्ली का। अब मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने कोई भी नई कार या फिर कोई भी नई बाइक ली है अभी रिसेंटली, तो आप लोग हमारे साथ वीडियो में आ सकते हो, हम आप लोगों के साथ एक वीडियो कर सकते हो। कैसे करेंगे वो हम आप लोग को तब बताएंगे जब आप रोलिंग विद साहिल या फिर रोलिंग पिस्टन्स इंडिया के इंस्टाग्राम ID पर जाओ और वहां पर जा करके हमें DM करो अपने नई बाइक या फिर नए कार के नाम के साथ, और हमारी टीम आपके पास ऐसे वापस आएगी फटाक से, और उसके बाद में हम बताएंगे कि हम कैसे साथ में मिल करके बढ़िया सा वीडियो बना सकते हैं। और ये जो आप हमारे सामने देख रहे हो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी BMW GS1250 है। हैव अ लुक एट दिस ब्यूटी। सबसे पहले तो आप इसका माइटी बढ़िया सा बड़ा लुक देखो, कितनी ज़्यादा मस्कुलर लगती है ये बाइक, कि पता नहीं क्या क्या चीज़ है। इसका टैंक देखो आप, कितना बड़ा टैंक हो जाता है इसका आपका, मतलब मैं लिटरली इस बाइक के सामने ऐसे छोटा सा बच्चा लग रहा हूँ। तो 1252 cc का बॉक्सर इंजन मिलता है, 2 सिलेंडर वाला बेसिकली, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस करता है 138 PS के पावर के साथ ही साथ 143 Nm का टॉर्क। इसमें भी आपको 6-speed गेयरबॉक्स मिल जाता है, इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, इसमें आपको काफ़ी सारे पावर मोड्स मिल जाते हैं, इसमें आपको हिल होल्ड कंट्रोल मिल जाता है। उसके बाद में इस बाइक में आपको मिलती है ड्राइव शाफ्ट की टेक्नोलॉजी, ठीक है, कि आप जो स्क्रीन देख रहे हो ये इसमें आपको फुली इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल मिल जाता है, जिसमें आपको बाइक की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो दिख जाती है। आप अपना फ़ोन इससे कनेक्ट करके यहाँ पर अपना फ़ोन लगा सकते हो एंड उसके बाद में देन यू कैन राइड। उसके बाद में यहाँ पर आपके सारे हैंडल पे आपके सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ से आप अपने मेन्यू कर सकते हो, इसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो कुल मिलाकर के काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बाइक हो जाती है आपकी एडवेंचर कैटेगरी में। अब इस बाइक की एक और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ होती है, मैं आप लोग को फिर से बता देता हूँ कि इसके जो ऐसे लाइट्स होती हैं वो भी ऐसे आप 35 डिग्री तक अगर आप ऐसे लीन करते हो तो इसमें आपको कॉर्नरिंग लाइट भी मिल जाती हैं, जो कि आपकी लेफ्ट राइट हो जाती हैं। उसके बाद में अगर आप थोड़ा सा एंगल इस बाइक को ऐसे ऊपर ले जाते हो, ऐसे आपकी बाइक थोड़ी सी हाइट पे है, तो जो इसकी लाइट का जो ऐसे फोकस है वो आपका थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, और सिमिलरली अगर आपकी बाइक थोड़ी सी डाउनफॉल पर है तो इस बाइक का जो लाइट का फोकस है वो थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, जो कि आपको बेटर विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। अभी जो बाइक है BMW GS एडवेंचर 1250, तो GS के बेसिकली दो मॉडल्स आते हैं आपके, एक तो आपका आता है नॉर्मल GS और ये जो आपके सामने खड़ा हुआ है ये है GS एडवेंचर। डिफरेंस क्या है आपका 1250 GSA और GS में, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे बेसिकली आओ मैं आपको वो बाइक ही दिखाता हूँ और उस बाइक में चल करके हाँ जो मेरे साथ वॉक कर लो थोड़ा सा। उसके बाद में ये खड़ी है हमारे सामने BMW GS, ये नॉर्मल वाली हमारे GS है। अब जैसे आप वाली बाइक देख रहे थे तो उसमें डिफरेंस क्या आ जाता है कि यहाँ पे आपके जितने भी ऐसे आपके इंजन कवरिंग होती है, जैसे जितने भी आपके गार्ड्स होते हैं वो सारी चीज़ें हट जाती हैं। बेसिकली इस बाइक का जो शेप होता है, साइज़ होता है, वो थोड़ा सा ऐसे आपका छोटा हो जाता है। उसके बाद में आपको यहाँ पे पीछे भी ऐसे कोई चीज़ें नहीं मिलती ऐसे लगाने के लिए, और उसके अलावा बहुत ज़्यादा ऐसे आपका डिफरेंस नहीं होता है। थोड़ी बहुत ऐसे आपकी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे फ्रंट में उसमें हमें केसिंग मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर आपको वो केसिंग नहीं मिलेगी। तो बेसिकली यही थोड़ा बहुत आपका डिफरेंस हो जाता है कि वो बाइक आपकी ज़्यादा बल्की लगती है, और वो लगती क्यों है, बिकॉज उसमें आपको मिलता है 30 लीटर्स का टैंक कैपेसिटी और इस बाइक में आपको मिलती है 20 लीटर्स की टैंक कैपेसिटी। तो आप जब उसका टैंक देखते हो तो बहुत ही ज़्यादा आपको ब्रॉड फील देता है। उसके बाद में बेसिकली सारी चीज़ें आपकी सेम होती हैं, आपके जो मोड्स हैं वो भी सेम है, आपके जो
इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो भी ऑलमोस्ट सेम है, जो आपके टायर साइज़ है वो भी एकदम जो है आपके सेम हो जाते हैं, तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। और इसका 30 किलोमीटर अगर हम ऐसे फ्यूल की बात ही कर रहे हैं, तो ये जो बाइक आपकी एवरेज देती है करीब आपकी 24 से 25 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज प्रोवाइड करती है ये बाइक BMW GS 1250। और सेम जो है वो आपका GS एडवेंचर के साथ भी जाता है, वो भी करीब 22 से 23 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज जो है आपकी प्रोवाइड करती है। अब फाइनली इस बाइक का जो कॉस्टिंग होती है, जो प्राइसिंग है, वो है आपकी 24,35,000 रुपीज़। ये इस बाइक की आपकी ऑन रोड प्राइसिंग हो जाती है, जो कि आपकी BMW GS 1250 की नॉर्मल होती है। उसके बाद में इस बाइक का जो प्राइसिंग है आपका एडवेंचर का, वो आपका हो जाता है, जैसे उसका था 24 लाख रुपीज़, 35,000 रुपीज़, इसका है 26,35,000 रुपीज़। 2 लाख रुपए का डिफरेंस हो जाता है। 2 लाख रुपए में आपको क्या क्या चीज़ मिल जाती है ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। और अगर आपको इन दोनों में से कोई भी बाइक के ऊपर डाउन पेमेंट करके या फिर फाइनेंस कराना है, तो वो भी यहाँ पर इजीली अवेलेबल है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आपके शोरूम पे काफ़ी सारे ऑफर्स होते हैं, आप आकर यहाँ पर भूलना मत कोई भी अगर आप बाइक लेने पे आते हो यहाँ पे आपने जितनी भी बाइक्स देखी, इसके अलावा भी काफ़ी सारी बाइक्स जो है वो आपका BMW ऑफर करता है, जैसे कि आपकी हो गई F900R, उसके बाद में F900XR, उसके बाद में M1000, उसके बाद में आपकी हो गई R9T, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बाइक है मेरे हिसाब से, बोलता हूँ मोस्ट ब्यूटीफुल लुकिंग स्क्रैम्बलर कैटेगरी की अगर कोई बाइक लगती है तो मुझे तो वही लगती है R9T। तो ये सारी बाइक्स आपकी यहाँ पर इस वक्त अवेलेबल नहीं है, बट अगर आपको ये सारी बाइक्स चाहिए तो ये सारी बाइक आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। आपको आकर के इस चीज़ को बुक कराना पड़ेगा। और उनकी जो भी जितनी भी सारी बाइक्स हैं, इन सारी प्राइसिंग की जो ऑन रोड प्राइसिंग है सारी बाइक्स की, वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगी। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाओ और हर एक बाइक की जो भी ऑन रोड प्राइसिंग है वो आराम से वहाँ पर देख लो, और उसके बाद में आपके बजट के अकॉर्डिंग जो भी आपको बाइक सूट करे वो आप आकर के यहाँ से ले जाओ। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जहाँ पर हमने आपको सारी बाइक के बारे में ठीक से बढ़िया से बता दिया, हमने उनको आपको स्टार्ट करके सुना दिया, उनके फीचर्स जो थे वो अच्छे से बता दिए, कौन सी बाइक किस इंसान के लिए बढ़िया हो सकती है ये भी आप लोगों को पता चल चुका है। नाउ यू द बेस्ट जज ऑफ दिस थिंग, आपको जो भी बाइक पसंद आए अपने हिसाब से आकर यहाँ पर अपनी टेस्ट ड्राइव लो और उसके बाद में उस मोटरसाइकिल को ले करके जाओ। और अब मैं जाता हूँ आपके लिए और भी बढ़िया कंटेंट लेकर के आता हूँ। टिल देन व्हाट यू गाइस हैव टू डू इज दैट गाइस हैव टू कीप ड्रीमिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड फॉर इट। दिस इज सैम सिद्दीकी on a very nice day, on a very not a sunny day basically, on a very cool day at BMW signing off. Bye bye, Piston Salah.